तो स्टूडेंट आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटाइम्स। तो सबसे पहले मैं आपको आइसोटोप, आइसोबार्स और आइसोटाइम के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा ताकि आप लोग इसको समझ सके, और एंड में मैं आपको इस पे थोड़े बहुत एमसीक्यूज भी सॉल्व करूंगा ताकि आ लोगों को जो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूंगा आइसोटोप्स। तो स्टूडेंट हमें पता है कि एक एलिमेंट के बहुत सारे एटम्स होते हैं, ठीक है। और लेट सपोज हमने एक एलिमेंट के एटम्स लिए और वो एलिमेंट्स जो हमारे पास है वो है हाइड्रोजन, ठीक है। हमारे पास हाइड्रोजन जो है ये एक एलिमेंट है और इसके हमने तीन एटम्स लिए, ठीक है। अब अगर हम इन तीन एटम्स को देखें तो यहाँ पर इन सब की एटॉमिक नंबर सेम है, या इसका भी एटॉमिक नंबर वन है, इसका भी एटॉमिक नंबर वन है, इसका भी एटॉमिक नंबर वन है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की इन तीन एटम्स में एक एक प्रोटॉन है, ठीक है। लेकिन जब हम इसकी मास नंबर को देखें तो प्रोटियम का मास नंबर वन है, ड्यूट्रियम का मास नंबर टू है, ट्राइटियम का मास नंबर थ्री है। यानी मास नंबर जो है वो डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है। तो हमारे पास एक ही एलिमेंट के वो एटम जिनके मास नंबर डिफरेंट हो और एटॉमिक नंबर सेम हो, हम इसको आइसोटोप कहते हैं। तो आइसोटोप क्या है? आइसोटोप्स आर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटोप्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि इन सब के एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन इसका मास नंबर क्यों डिफरेंट है? तो मैं आपको बताऊंगा कि एटॉमिक नंबर हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। एक एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं हम इसको इसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी न्यूक्लियस में भी एक प्रोटॉन है, इसकी न्यूक्लियस में भी एक प्रोटॉन है और इसकी न्यूक्लियस में भी एक प्रोटॉन है, लेकिन मास नंबर को हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। तो प्रोटॉन जो है इसमें, इसमें और इसमें सेम है लेकिन इसका मास नंबर डिफरेंट है। वो क्यों डिफरेंट है? क्योंकि मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का समअप है। प्रोटॉन तो सेम है लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो इसका मास नंबर क्या है? वन, यानी हमें तो पता है। और एटॉमिक नंबर क्या है? वन, यानी हमें पता है कि इसमें एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटियम में नहीं है। यहाँ पे इसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, तो इसका मास नंबर क्या है? टू। तो यहाँ पे एक न्यूट्रॉन है, यहाँ पे एक प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि ये जो मास नंबर है यहाँ पे और इसमें जो डिफरेंसेस है वो न्यूट्रॉन की वजह से है। तो आइसोटोप हमने समझ लिया कि सेम एलिमेंट के वो एटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, हम इसको आइसोटोप कहते हैं। और ये मास नंबर क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि इनकी न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, प्रोटॉन सेम होते हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास है आइसोबार्स। अब आइसोबार क्या है? आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे हम सेम एलिमेंट की बात नहीं करते, अब यहाँ पे हम डिफरेंट एलिमेंट की बात करते हैं। लेट सपोज एक हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, एक हमारे पास क्लोरीन एटम है, दो डिफरेंट एटम है, ठीक है। तो हमारे पास जब दो डिफरेंट एलिमेंट के एटॉमिक मास सेम हो और इसके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो तो हम इसको आइसोबार कहते हैं। अब हमें तो जाहिर बात है, हमें पता है कि दो एटम के एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं होते, क्योंकि मोस्टली ने जो है एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट को पीरियाडिक टेबल में अरेंज किया है और ये यूनिक है, हर एलिमेंट का एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर है। लेकिन ये हो सकता है कि डिफरेंट आइसोटोप्स के एटॉमिक मास जो है वो सेम हो सकता है, डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स जब हम ले और एक दूसरे से कंपेयर करें तो इनकी इनके मास नंबर जो है वो सेम हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने दो एलिमेंट लिया है, एक है पोटेशियम और एक है कैल्शियम, ठीक है। ये कैल्शियम का एक आइसोटोप है और ये पोटेशियम का एक आइसोटोप है,
ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 19 है और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 20 है, इसका मास नंबर 40 है और इसका मास नंबर 40 है। तो मैंने यहाँ पे आपको कहा कि आइसोबार क्या है, जब डिफरेंट एलिमेंट की एटम के एटॉमिक मास सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, हम इसको आइसोबार कहते हैं। यहाँ पे मास नंबर जो है वो भी 40 है, पोटेशियम का, कैल्शियम का भी मास नंबर 40 है, दोनों का सेम है कि नहीं, सेम है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 19 है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर 20 है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे ने क्या है, आइसोबार है। ठीक है, आइसोबार का कंसेप्ट समझ में आया। अब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे आइसोटॉन्स। आइसोटॉन्स क्या है? Isotons are atoms of different element having same number of neutron but different number of proton in the nucleus of an atom. Isotons भी हम जो है different element के बीच का मामला है ये। ठीक है, जब different element के atom में neutron same हो, हमने एक element लिया और इसका atom लिया और एक दूसरा element लिया जो इस element से different है और इसका एक atom लिया, ये जो atom है और ये जो atom है इन दोनों में न्यूट्रॉन सेम है लेकिन प्रोटॉन जो है वो डिफरेंट है, इसको हम एक दूसरे के क्या कहते हैं, आइसोटॉन्स कहते हैं। यहाँ पे हमने एक सल्फर एटम लिया है और एक क्लोरीन एटम लिया है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 16, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 17। एटॉमिक नंबर हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉन, यानी सल्फर पे यहाँ सल्फर के पास यहाँ कितने प्रोटॉन है, 16, या क्लोरीन के पास कितने प्रोटॉन है, 17। और मास नंबर हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, मास नंबर हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें ये मास नंबर हमारे पास क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे मास नंबर क्या है, 37। ठीक है, प्रोटॉन कितने हैं, 17, और न्यूट्रॉन हमारे पास क्या है, अननोन है। ठीक है, न्यूट्रॉन हमारे पास क्या है, अननोन है, ये यहाँ पे प्लस 17 है, यहाँ पे जब आएगा तो माइनस 17, तो ये हो जाएगा 37 - 17 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास आया 20। तो यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन जो है, क्लोरीन के पास कितने न्यूट्रॉन है, 20। यहाँ पे हम देखते हैं कि सल्फर के पास कितने न्यूट्रॉन है, तो सल्फर जो है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर सॉरी मास नंबर, सल्फर का मास नंबर क्या है, 36, प्रोटॉन कितने हैं, 16, न्यूट्रॉन का हमें पता नहीं। अब यहाँ पे ये प्लस 16 है, यहाँ पे जब आएगा तो माइनस 16 हो जाएगा, 36 - 16 इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन सल्फर, तो ये भी हमारे पास 20 आया। तो सल्फर में भी 20 न्यूट्रॉन है और क्लोरीन में भी 20 न्यूट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे 16 प्रोटॉन है और यहाँ पर 17 प्रोटॉन है, तो दोनों में न्यूट्रॉन सेम है लेकिन प्रोटॉन डिफरेंट है, तो ये एक दूसरे के क्या है, आइसोटॉन्स है। ठीक है, तो अब मैं अपने टॉपिक को थोड़ा रिवाइंड अप करता हूं ताकि आप लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करने में आसानी हो। आइसोटोप्स, जब सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स हम ले और इनकी एटॉमिक नंबर सेम हो, क्या हो, सेम हो लेकिन मास नंबर का डिफरेंस हो। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट के वो एटम जिनकी एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। आइसोबार, जब डिफरेंट एलिमेंट के मास नंबर सेम हो और इसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। आइसोटॉन्स, जब डिफरेंट एलिमेंट हो और इसकी एटम्स की बीच जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो और नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ एमसीक्यूज लिए हैं, अब हम इसको साफ करेंगे। तो सबसे पहला वाला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोटॉन्स ऑफ ईच अदर, इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो एक दूसरे के आइसोटॉन्स है। तो मैंने आपको बताया कि आइसोटॉन क्या है, जब डिफरेंट एलिमेंट के वो एटम जिनकी बीच न्यूट्रॉन सेम हो लेकिन प्रोटॉन डिफरेंट हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है आर्गन और यहाँ पे है पोटेशियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या है, 18, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे है 19, यानी यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है और इसका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, मतलब है कि प्रोटॉन तो इन दोनों में डिफरेंट है, प्रोटॉन क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो प्रोटॉन डिफरेंट हुआ। अब हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं, यहाँ पे इसका एटॉमिक मास नंबर क्या है, 38, यहाँ पर इसका मास नंबर क्या है, 39, तो मास नंबर से हम
प्रोटॉन को माइनस करें 38 से, जब हम 18 को माइनस करते हैं तो क्या आता है 20, यानी इसके पास 20 न्यूट्रॉन है और ये जो है 39 मास नंबर है और इससे हम प्रोटॉन को मास माइनस करते हैं तो 39 से जब हम 19 को माइनस करते हैं तो ये भी 20 आता है, मतलब ये दोनों तो एक दूसरे के आइसोटॉन्स है। अब हम बाकी को भी चेक करते हैं कि ये है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 18 है, ठीक है, और इसका भी एटॉमिक नंबर 19 है, मतलब प्रोटॉन डिफरेंट है लेकिन दोनों का मास नंबर सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 40 से 18 माइनस करते हैं तो 22 न्यूट्रॉन है इसके पास, यहाँ पे 40 से 19 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे इसके पास 21 न्यूट्रॉन है, यहाँ पे न्यूट्रॉन भी डिफरेंट है, ये एक दूसरे के आइसोट्रॉन्स नहीं है। यहाँ पे हमारे पास बोरान है और एक कार्बन है तो दोनों के एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मतलब प्रोटॉन डिफरेंट है। अब हम न्यूट्रॉन के पास आते हैं तो यहाँ पे इसके पास एक मास नंबर 12 है तो मास नंबर से जब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस करते तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे देते हैं, तो यहाँ पे 12 - 5 = 7 और यहाँ पे 13 - 6 = 7। इन दोनों के बीच भी न्यूट्रॉन सेम है, इन दोनों के बीच भी न्यूट्रॉन सेम है, तो ऑप्शन बी बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब दूसरा एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। तो मैंने आपको बताया कि आइसोबार क्या है, जब डिफरेंट एलिमेंट के मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो तो ये जाहिर बात है बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। इन दोनों के मास नंबर एटॉमिक नंबर क्या है 20, 19 डिफरेंट है, मास नंबर 40, 39 डिफरेंट है, ये नहीं है। इन दोनों के एटॉमिक नंबर क्या है 6, 6 मास नंबर क्या है 12, 13 मास नंबर भी डिफरेंट है तो ये नहीं है। इन दोनों के एटॉमिक नंबर क्या है 18, 19 एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर क्या है 40, 40 यानी इन दोनों के मास नंबर सेम है और हम कहते हैं कि जब दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स के मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो तो इसे हम आइसोबार कहते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब लास्ट वाला जो है हमारे पास वो है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। तो आइसोटोप्स का ये याद रखना है कि आइसोटोप हमेशा सेम एलिमेंट की एटम के बीच हो गए, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ऐसा ना हो कि दो डिफरेंट एटम आपको दिए हो तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आइसोटोप हमेशा दो सेम एलिमेंट के एटम के बीच होगी, सेम मतलब एक ही एलिमेंट के एटम के बीच जो है वो आइसोटोप होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो कार्बन एटम है, इनका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है, मास नंबर डिफरेंट है, मास नंबर डिफरेंट है, ये आइसोटोप है, ठीक है। यहाँ पे यूरेनियम के दो एटम है, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, ये भी आइसोटोप है। यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक नंबर सेम 17 है, ठीक है, मास नंबर डिफरेंट, ये भी आइसोटोप है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये लेक्चर समझ में आ चुका होगा, लेकिन फिर भी अगर आप जो है इसमें से आपको कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये यहाँ पे हमें मसला है, तो मैं वहाँ से आपकी कमेंट जो है उठाऊँगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।